हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। आज मैं आ गया हूँ बैरकपुर। दोस्तों, यदि आप बैरकपुर के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ, ये कोलकाता में पड़ता है। और यहाँ जो मंगल पांडे हमारे जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के जो सिपाही थे, उनको अंग्रेजों ने फांसी चढ़ाई थी। दोस्तों चलिए, मैं उनके यहाँ पर कुछ शहीद स्थल बनाए गए हैं और इनका पार्क बनाया गया है, तो मैं उसी को आपको विजिट कराने वाला हूँ। दोस्तों उनकी कहानी जो है आपको मैं आगे चल के कहानी बताऊँगा, तो चलिए बिना देर किए हुए आपको मैं पार्क में विजिट कराता हूँ। दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यही है मंगल पांडे का समाधि स्थल। और आपको मैं अंदर लेकर के चलता हूँ, अंदर आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर देखिए, कुछ ज़्यादा कुछ खास बनाया नहीं गया है, बस नॉर्मल सा देखिए, टूटा सा गेट ऐसी कर दिया गया है। बताइए, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी के जो प्रथम सिपाही जो फांसी पर चढ़े थे, उनका कोई यहाँ पर मतलब कहने का मतलब कोई अच्छा कुछ खास नहीं है। यहाँ का गवर्नमेंट का क्या हाल है, और आपको मैं चलता हूँ, आपको अंदर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ का आपको लोकेशन कुछ इस तरह से, यहाँ पर बस ऐसे जानवर बकरियाँ गाय भैंस अंदर घुस जाती ही होगी, और इस तरह से बनाया गया है। बस नॉर्मल सही समाधि स्थल के नाम पे बस नॉर्मल खाली ऐसे ही किया गया है। तो दोस्तों मैं ज़्यादा इसके गवर्नमेंट के मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको विजिट कराने वाला था, मैं एक ब्लॉगर हूँ, तो चलिए मैं आपको दिखाने वाला था कि कहाँ पर कौन सा है, और हमारे मंगल पांडे उनका समाधि स्थल कहाँ पर है वो मैं आपको दिखा दिया। तो आप देखिए मेरे पीछे, आपको बैक कैमरा से आपको चल के मैं दिखाता हूँ सही से। तो चलिए आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि इनको जहाँ फांसी पर लटकाया गया था, उस जगह पे एंट्री है या नहीं, वो मैं आगे चल कर आपको दिखाता हूँ। तो चलिए सीधा वहाँ मिलते हैं। चलते बहुत ज़्यादा थक गए हैं, और अभी तक मैं वो जगह खोज रहा हूँ। लाड बगान में मंगल पांडे को फांसी दिया जाता है, और लाड बगान का भी खोज रहा हूँ, तो पता नहीं चल रहा। खाली तो बगान ही यहाँ पर दिख रहा है, देखिए इधर कुछ बगान है, कुछ इधर बगान है, देखिए यहाँ पार्क टाइप का कुछ बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप। तो उसी जगह पर उनकी फांसी होती है मंगल पांडे को, ऐसा लोग यहाँ के बोल रहे हैं। तो चलिए मैं आपको उसको देखता हूँ और लोगों से पता कर लेता हूँ कहाँ पर वो जगह है एग्जैक्टली, और मैं आपको वहाँ पर दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो चलिए, पूरा जंगल भरा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे कितना ये शानदार व्यू आ रहा है, से बहुत शानदार व्यू यहाँ पर दिख रहा है। आइए देखिए, पूरी तरह से यहाँ पर झाड़ पूरा लगा हुआ है, और अभी मैं लॉर्ड बगान खोज रहा हूँ, शायद देखिए मिल गया मेरे को, लगता है कि आगे है। तो चलिए मैं आपको कंफर्म होकर बताता हूँ वही है या कोई और है। तो चलिए आपको यहाँ पर दिखाता हूँ चल करके। दोस्तों यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, बैरकपुर पार्क द वेस्ट ब्रिगेड। और यहाँ का कुछ सीन देखिए, ऐसा कुछ है बरगद का, शायद यही लॉर्ड बगान है, पता कर लेता हूँ मैं और आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कितना विशाल पेड़ यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये देखिए कुछ यहाँ पर आपको नदी दिख रहा है अंदर में, और यहाँ का कुछ सीन देखिए यहाँ सामने का, और ये पेड़ आप देख सकते हैं कितना भयंकर पेड़ दिख रहा है, ये बहुत ही पुराना पेड़ दिख रहा है। देखिए पूरा इसका जड़ बहुत सारा बन चुका है, पता नहीं चल रहा है कि इसका रियल जो जड़ है कौन है, पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि बहुत सारा जड़ देखिए। तो दोस्तों पता करने पे फाइनली पता चल गया है कि लाल बगान यही है, और यहाँ पर फांसी न देते हुए अंदर में इसका जगह है। आपको उसका गेट दिख रहा है, गेट आपको दिखा रहा हूँ, वो जो आपको गेट दिख रहा है वो गेट से आपको एंट्री करके जाना होगा। एक वहाँ पे जगह है, उसी के अंदर में उनको फांसी दी गई थी, तो वहाँ पर एंट्री तो है नहीं। आप जैसे देखिए यहाँ फोर्स लगा हुआ है, पुलिस लोग वहाँ बैठे हैं, तो एंट्री है नहीं, तो मैं वहाँ तो आपको नहीं दिखा पाऊँगा। लेकिन आपको मैं इसको बगान को मैं चारों तरफ से मैं आपको दिखाऊँगा, आपको उसको बगान को देखिए और एक पहले कैसे दिखता था। आइए 1857 की बात है,
तो चलिए ऐतिहासिक जगह है, आप इसमें बिना स्किप किए हुए वीडियो को जरूर देखिएगा और आगे मैं आपको पूरी तरह से बगान को सैर कराता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि जब भी लॉकडाउन अनलॉक होगा तो आपको एक बार जरूर विजिट कराऊँगा यहाँ पे लॉर्ड बगान को। तो अभी यहाँ पर बंद है लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ कुछ बाहर से ही, ये देखिए। तो चलिए आपको आगे से दिखाता हूँ। और ये धनुधर अर्जुन का स्टैचू बनाया गया यहाँ पर, तो चलिए आपको आगे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है लॉर्ड बगान पूरा, देखिए आप इधर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितना ये घना जंगल बन चुका है ये जगह। और देखिए कुछ यहाँ पुराने बिल्डिंग जो है उसका कुछ अवशेष यहाँ बचा हुआ है, आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कैमरा से। और ये देखिए ये शायद उसी टाइम का ये बिल्डिंग रही होगी जो अवशेष आपको दिख रहा है, मैं आपको दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ कैमरा से। और अभी आपको पूरी तरह से दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए। ये आप अंदर देख सकते हैं, ये जो बिल्डिंग का कुछ अवशेष उसी समय की रही होगी जिस समय हमारे मंगल पांडे जो थे यहाँ पर सैनिक के तौर पे काम किया करते होंगे, यानी 1857 में। ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर पेड़ आप देखिए, बिल्डिंग दिख रहा होगा, अवशेष आप देखिए, तो इसी उसी समय की रही होगी मेरा ऐसा मानना है। तो चलिए आपको मैं आगे चल के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आपको टैंक का वीडियो मैं दिखा रहा हूँ, देखिए टैंक दिख रहा है। यहाँ पर देखिए सर, तो दोस्तों अभी हम लोग को प्यास लग गया था, भूख भी लग गया था, तो अभी मैं दुकान पर आया था और ये पानी दिया हूँ और पानी लेकर भी कुछ यहाँ पे खाऊंगा, उसके बाद फिर देखता हूँ आगे चल करके आपको दिखाते हैं आगे जो भी आपको नहीं दिखाया उसे, तभी पहले खा लेता हूँ उसके बाद फिर मिलता हूँ। दोस्तों आप देखिए मेरे सामने बैरकपुर मंगल पांडे पार्क, आप देखिए मंगल पांडे पार्क बैरकपुर लिखा हुआ है। तो मैं आ गया हूँ गेट के पास और उसके मैं अंदर विजिट करता हूँ, टिकट लेने पड़ेगा पहले मैं हमको। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ पार्क के पास लेकिन पार्क ये बंद है कोविड के कारण। वहाँ पर देखिए बोर्ड लगा हुआ है, नोटिस लगा हुआ है पार्क क्लोज्ड, तो एंट्री तो है नहीं। यदि एंट्री आए तो आपको दिखाने के लिए, पर एंट्री यहाँ है नहीं कोविड के कारण। तो चलिए मैं कभी और आकर आपको कहीं दिखाऊंगा, विजिट कराऊंगा और इनका जो भी अंदर का जो सीन है आपको अंदर का भी बाद आपको दिखाऊंगा।